प्रथम तहलका न्यूज और फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में नीतिका हत्याकांड मामले में SIT ने जांच शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि नीतिका हत्याकांड मामले में मृतका के घर पहुंची है SIT की टीम। और आपको बता दें कि परिजनों को SIT टीम ने जांच का भरोसा दिलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि शनिवार को BCOM फाइनल ईयर की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वही मामले में लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की सजा की मांग की है। आपको बता दें कि नीतिका के अपहरण करने की फिराक में थे आरोपी, अपहरण नहीं कर पाए तो सरेआम युवती को मारी थी गोली। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है, जहां नीतिका हत्याकांड मामले में अब SIT ने जांच शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि नीतिका हत्याकांड मामले में मृतका के घर जो है वो SIT की टीम पहुंची है और परिजनों से पूछताछ की गई है। और इसके साथ ही परिजनों को SIT ने भरोसा दिलाया है कि जांच जल्द ही कर ली जाएगी। और आपको बता दें कि शनिवार को ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था और मामले में लोगों ने अब आरोपियों को फांसी देने की सजा की मांग की है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है। हमारे पास आए थे 3 मेंबर आए थे, बोले कि हम आपकी जो SIT का थी उसके मेंबर हैं, हम आपसे मिलने हैं, आपके यूनिवर्सिटी से आज हम शुरू करें। और क्या क्या बात? और कोई बात नहीं। कौन कौन थे SIT में आए थे? एक नाम बता, अनिल कुमार थे, बाकी दो और। आज केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे, क्या आश्वासन आपको दिया लोगों का? मंत्री जी ने जो आए, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आर्थिक, हमने दो मांग रखी उनके सामने, एक आर्थिक मदद और इनके एक लड़का है उसके लिए सरकारी नौकरी। क्या लगता है SIT की अब हमें, आपके हमारे साथ, देश हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ है, तो हमें उम्मीद जागी कि हमें प्रॉपर न्याय मिलने की उम्मीद है। दोबारा आने की बात नहीं है, SIT दोबारा पहुंचेगी यहाँ? अब जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ेगी वैसे हमें बुलाएंगे, बताएंगे हम। आप अभी तक SIT से सहमत? अभी तो गठित हुई है, सहमत है, जब जैसे इन्वेस्टिगेशन आएगी हमारे सामने कराएंगे, करेंगे जैसे हमें बताएंगे, तो देखते हैं, अगर वो हमारे अगर ठीक होगी तो ठीक बताएंगे। उम्मीद है कि अब जो मैंने फांसी में होनी चाहिए, दोषियों को फांसी होनी चाहिए, कि इस टाइप का कोई दूसरा और किसी बच्ची के साथ ना, हमारी बच्ची के साथ तो हो गया, किसी और दूसरी बच्ची के साथ ऐसी कोई दुर्नीति ना करे। धर्म परिवर्तन वाला क्या? धर्म तो पैसा डाल के वो कहता था लड़की से कि धर्म परिवर्तन कर मेरे शादी कर, धर्म परिवर्तन होने के बाद शादी होती है, वैसे हो नहीं सकती दूसरी जाति किसी धर्म। वो जानता था कभी, ये वहाँ रावल स्कूल में पढ़े थे बच्चे, वो अलग क्लास में थे, वो अलग क्लास में थे। अब जो बच्चे किसी स्कूल में पढ़ेंगे तो एक दूसरे सब जान जाते, ऐसे ऐसे जानता था स्कूल के। और ये 2018 में जो FIR हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा बता दो, क्या जो 2018 से लड़की का किडनैप किया था, जब इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, तो उसमें फिर मौजूद व्यक्ति दोनों साइड से उनके माँ बाप वगैरह, पेरेंट्स वगैरह थे, जो मौजूद आदमी आए थे, उन्होंने अपने सौंपे रखे, माफी मांगी, गलती मानी, कहा कि आज के बाद हमारा लड़का आपकी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा, कभी मिलेगा नहीं, फोन नहीं करेगा, कोई बदतमीजी नहीं करेगा, अगर करेगा तो हम उसके जिम्मेदार। इसलिए दोनों समाजों ने बैठ के उसका फैसला कर लिया था, तो उसमें विश्वास कर आज कहीं ये लगता है कि अगर उस समय, हाँ, अगर हम विश्वास ना करते, अगर तो उसकी कार्रवाई करते उस समय, उन लोगों की माफ नहीं करते, तो आज हमारे साथ ये घटना नहीं है। लड़के का जिस तरह से पॉलिटिकल रिलेशन सामने आ रहा है, कौन है वो पॉलिटिकल, किसके साथ? पॉलिटिकल आफ्ताब अहमद है, उनका भतीजा है, नूस ML है, कई बार उनको तो 50 साल से ही राजनीतिक परिवार है, 50 साल से राजनीति में है, उनके पहले फादर दादा थे खुर्शीद अहमद, वो MP रहे, MLA रहे, उनके बाद उनका लड़का आफ्ताब 2 बन लिया, हरियाणा कांग्रेस सरकार में वो परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। कि विश्वास नहीं पाएगा कहीं ना कहीं वो जांच को प्रभावित नहीं करेगा? अब देख तो था, कोई हमें जांच प्रभावित दिखाई होगी तो आप लोगों को बताएंगे। किसी ने संपर्क किया आफ्ताब जी के आप देख रहे होगा, आने वाले को लाइन लगी हुई है, जो सुन रहा है, जो हमारे हमदर्द है वो सब आ रहे हैं। चाहते क्या है, क्या सजा मिली? सजा तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जैसे उन्होंने घटना जो अंजाम दिया है, उनको जो है फांसी की सजा होनी चाहिए।